सुबह का टाइम हो चुका है 10 AM। तो बच्चे हमारे देखिए चीज़ें किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, सफाई का काम चल रहा है। आपको रात का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा और दिन का भी, किस तरह को हम बच्चों को रखरखाव करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर में भी लोकेशन है, मुर्गियों है या मुर्गियों है। अरे मुर्गिया का क्या करो ये लोग है। अच्छा इस तरह सफाई होती है हमारे यहाँ पानी। यहाँ पर उनका ये हम लोग डालते हैं दाना, इस तरह इनका दाना है। बाहर की लोकेशन देखिए कितना अच्छा मौसम है, ठंडा, यहाँ पर इन्हें गर्मी भी नहीं लगती। अब आगे व्यवस्था करेंगे इन लोगों की कि कूलर वगैरह लगा दिए जाएं। तो आपको सेकंड वाला हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखो तालाब एक बनाया है, ये मछलियाँ हम लोग यहाँ छोड़ेंगे। तो सूर्य देवता हमारे बहुत नाराज इस समय है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर निकल आए हैं। ये सेकंड फार्म है, तो आपको दिखाते हैं खोल के ज़रा। ये सेकंड फार्म हमारा कुछ इस तरह का है, साफ सफाई उनकी चल रही है। क्या हो गया, ये तो मर गया है। वाह क्या क्या हो, किस तरह ये बेचारा, दोनों मर गए। बिल्ली ने अटैक कर दिया रात में इनके ऊपर। अभी बहुत ही अच्छा इनका पूजों का चल रहा है, अच्छा बहुत अच्छे भजन आ रहा है इस समय। यहाँ भी देखो सेम इनका दाना रखा हुआ है। आपको तीसरा वाला दिखाते हैं, छोटू साफ सफाई कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं के लिए, दाना वगैरह सभी कार्यक्रम का खाने का स्टार्ट होता है सुबह सुबह से ही लगते हैं, तो पूरा हो पाता है इनका। परियो दाना छोटू सब ये कैसे मर गया मुर्गा, आपसे हम टकरा जाते हैं। जहाँ में ठंडक जाता है सबसे बड़े चूजे इसे ही हैं। जाओ निकल जाओ निकलो। ये हमारा थर्ड फार्म है, तो आपको कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लो कॉस्ट में सबसे अच्छा यहाँ पर बनता है मुर्गी फार्म। Bye bye. Gaan us na. Chamo sa.
रात में यहाँ पर कुछ सो फ्रेंड। अब रात 6:08 है, डंपल लगा दिन तो दिन जैसा बीता मैंने आपको बताई दिया और दिखा भी दिया था। सो फ्रेंड अभी देखो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है गाँव में, अभी जो गंदा पानी था वो निकाल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं, चेंज कर देंगे। अगर रात में इन्होंने गंदा पानी पी लिया कोई दिक्कत हो जाएगी, चाहे हो सब्सक्राइब कर लेना। शाम को पानी का चेंज करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया तो कर लीजिए। वीडियो अभी दाना भी डाल देंगे उनका, पूरा दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आप सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर कर देना। तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे हैं जो छोटे रह गए हैं, इसलिए कि यहाँ फार्म में काफ़ी बच्चे संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए 2-3 बच्चे लूज भी आए थे, छोटे रह गए। इसलिए आप वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं आपको किस तरह से पानी हम लोग चेंज करते हैं। तो छोटा भाई हमारा पानी देखो चेंज कर रहा है और बता भी रहा है किस तरह से हम लोग इनकी सेफ्टी वगैरह रखते हैं। सो फ्रेंड, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताना। अगर आप गांव से हो तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए है। क्योंकि हमारा भाई दिल्ली में देखो इंजीनियर था, 40,000 रुपये नौकरी छोड़कर वो अभी देखो पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ बहुत ही अच्छी इनकम हो रही है। एक फार्म से लगभग 80,000 से 90,000 रुपये मिलते हैं, और 3 फार्म हमारे पास हैं और कम कॉस्ट में हमने तैयार किया है पूरा फार्म। क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, तो पहले एक जो हमने फार्म बनाया था उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी, तो जो 2 फार्म बनाए हैं उससे सेम आधी कॉस्ट में बनाए हैं। तो आप हमारे यहाँ आके देख सकते हैं हम किस तरह चूजे वगैरह का पालन पोषण यहाँ पर होता है कंपनी तरफ से। तो वीडियो में है ना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग हम 3 फार्म का। ये किस लिए? जैसे पानी है भूसी बच्चे सारी लीटर इसमें भर देते हैं, इसके से घुमाओ इसको, पानी साफ हो जाएगा। अगर गंदा पानी पिएंगे तो इसमें इकोलाई की दिक्कत आ सकती है, बीमार पड़ जाएंगे। इकोलाई आ गई फार्म में सारा खत्म। बताओ, अरे बताओ पानी की वजह से। पानी हमेशा साफ स्वच्छ रहना चाहिए, कपड़े साफ होता है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है आपने। रात का दाना हमारा पड़ रहा है बच्चों को, लाइटिंग किस तरह व्यवस्था है हमारी। ये कितने के बच्चे हैं जी हमारे? बवाले ज़्यादा बड़े जामे जी,
कितने बढ़िया तरीका से खाए रखे हैं। कौन सुपरवाइजर? नहीं बढ़िया लगा था, मम्मी भी सब दिखा देखो स्कूल कितना बढ़िया बोल रही। ये रात का सीन है सभी बच्चों के साथ, देखिए हमारे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, 28 दिन के लगभग हो गए हैं। अभी तक ये सबसे अच्छा हमारा फॉर्म रहा है, नया तीसरा वाला, उनका वेट भी बहुत ही अच्छा गेन हो रहा है। जल्दी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें दिखाएंगे आपको किस तरह हमारे बच्चे ग्रो हो रहे हैं, जल्दी उनका दाना कौन सा इस्तेमाल होता है वो मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे। बहुत ही अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ छोटे और लो कॉस्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, जल्दी कमेंट करके बताना तो आपकी मैं हेल्प करूँगा। छोटा सा भी आप पोल्ट्री फार्म बनाकर लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मंथ कमा सकते हैं। तो हमारा इस समय रात का टाइम है, बज गए हैं देखो 7, तो हमारा दाना इस समय पड़ रहा है बच्चों के लिए, तो आपको हम पूरा घूम के दिखाते हैं। लोग ये रात का सीन है, अभी सुबह का सीन आपको दिखाएंगे, उसमें कुछ अलग लगेगा। ये ग्राउंड आपको पूरा दिखाते हैं घूम के, गांव में रह के बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ना ही किसी गुलामी करनी है, ना ही किसी का कुछ सुनना है, अपने पैरों पर खुद पर खड़ा हो सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। आप भी पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, संपर्क कीजिए। रात में कितने अच्छे बच्चे लग रहे हैं इस समय, देखो दाना पड़ रहा है हमारा, छोटा भाई डाल रहा है दाना। नेक्स्ट जनरेटर का भी तो इन्वर्टर लाइट से काम चल रहा है, नेक्स्ट जनरेटर की हम तैयारी करेंगे। आपको हर संडे पोल्ट्री फार्म का ब्लॉग देखने को मिलेगा कि बच्चे हमारे कितने बड़े हो रहे हैं। या तो बना ही लो फिर, टैंक अच्छा लग रहा है बोले, हमें तो गांव रहने मिल जाए हम तो चटैया लगा दें वीडियो का। 30 तारीख छुट्टी है तो कुछ करेंगे जरूर। जो तीसरा वाला हमारा
फॉर्म है ये बच्चा के बराबर है 300 सर जी कुछ छोटे लग रहे हैं उसे फर्स्ट वाले वो है पहले वाला फार्म है अच्छा बैठे हैं तभी तो छोटे लग रहे हैं जो पक्के फार्म का ही फर्क पड़ गया